ये मेरे साथ शख्स है, इसका नाम मोहम्मद यूसुफ है, रहने वाला ये डिस्ट्रिक्ट रियासी का है। और ये व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनके जो पिताश्री हैं उन्होंने इनको लिख के छोड़ दिया है। अब ये पूरी जायदाद भी बेदखल है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आइए जानते हैं इनको कि क्या इनको सारी समस्या है, ये क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। अच्छा, क्या गलबात है सारी? साड़ी मेरी ये रिक्वेस्ट है जी, साढ़े अस निके निके साड़ी माँ मरी। हाँ जी, जेडे माँ मरी असें दादे दादी ने पालिया। दादे दादी ने? जी जी जी, दादी दादी ने साड़ी खिदमत की है। जेडे दादा दादी मरी है ते फिर अस दर बदार हुई, अस प्यो ने असें कड्ढी उड़िया। अच्छा, दरबदारी दिखी जंगले में रखी रहे, कई बार रात फक भी सुते। त्रै भरा, एक भरा मेरा जो हंडी गए लता पोलिया ते ओ एक साल दा रही हा। फिर असें बड़ी दरबदारी दिखी, हुण थोड़े जिहा खरे होए दा अपना हक मंगा रहे हां। लगभग किन्ने साल दी गल है? ए कोई 35-36 साल दी गल है। अच्छा। मेरे को 8 साल दा हा उसले जिहड़ी साडी मां मरी। मतलब तुंदी दादे ने तुसें पालिया पोसिया हा, दादे जिहड़े डेथ होई इहदे तुसें भी उत्थों भी कढ़ी लिया? हां, असें कढ़ी लिया। फिर दादे प्यो ने तेरा भरा हो चार? त्रै। अच्छा, त्रै भरा, भैणां दो ही मरी हैं भैणां। अच्छा, ते रोणे वाले कुत्थों दे? कांसी पट्टे दे, रियासी डिस्ट्रिक्ट दा कांसी पट्टे रोणे। हां जी हां जी हां जी। अच्छा, ते फिर असें दर बदारे भी दिखी, असें लोकें दे डंगर चारे ते मेहनत मजूरी कीती। ते उसले दादा मेरे नाल जगह कराई दे रहा हा, कोई दो कनाल पांच कनाल जगह कराई दा ना मेरे। अच्छा, ओ आज मिगी दिया दे? नहीं है, नहीं दिया दे। कागज पत्र है ना उधर? हां, बिल्कुल कागज पत्र है। तो त्रौ विच औलाद? अच्छा, त्रै दी औलादा होईयां? त्रै दी होईयां। हां, त्रै छोड़ी पहले विच तो पहली मम्मी तुंदी ही, तुसी तो त्रै बच्चे, दो त्रै मुंडे ते दो कुड़ियां। हां जी हां जी। अच्छा, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਗਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਵੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਾ ਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਾ ਦਾ, ਲਿਖੀ ਦਈ ਆ। ਲਿਖੀ ਦਈ ਦਾ? ਹਾਂ, ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਲਿਖੀ ਦਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ? ਆਹੋ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बावजूद भी कोई कारवाई नहीं हुई है। मसला हल नहीं होया। हूँ बुढ़ा आया था, प्यो आया तो ACR से जाइए तो मेरी लिखिए तलाक देगा कि भाई असर कोई ज्यादा हकदार नहीं रहा। इस वास्ते मेरी रिक्वेस्ट है कि मिगी अपना हक जिहड़ा है साड़ा हूँ असें लभना चाहिए, असें मिलना चाहिए। मैं गरीब आदमी हाँ, मजदूरी करने वाला आदमी हाँ। किन्नी जमीन है जैसे उनके को? 15-18 जमीन है। अच्छा, लेकिन मेरे हक में जी दादा मिगी दई दा वो 5 कनाल जमीन है, लेकिन वो मेरे दिंदे नहीं है। और जो भरा मेरा कतल करना चाहते हैं, पुलिस वाले भी धमकी दी है कि SI गए मेरे कन्ने। पुलिस वाले दी? हाँ, पुलिस वाले भी आख्या
ऐसा ही आखिया कि असें इसी कतल करना, अज भी कतल करना और 10 साल बाद भी कतल करना। मैं उत्थे मौके रहा, एस आई भी उत्थे खड़ोते दा हा, फिर एस आई ने नसाया मिगी उत्थां, भी चल तू दौड़दा थाने चल तू। फिर भी एस आई ने आइए चौकी अफसर की सुनाया कि ये बयान है इनका कि ये आखा दे अज भी कतल करना है और 10 साल बाद भी कतल करना। उन्हें सुनाया साहब भी? हाँ साहब भी सुनाया, कार्रवाई कोई नहीं हुई है। पालन पोषण जो है वो इसके दादाजी ने किया। जब दादाजी की भी डेथ हो गई और तब इनको जो है वो इसके पापा ने जो है वो बाहर निकाल दिया। जे दर बदर की ठोकरे खा रहा है, कानून का सहारा भी ले रहा है, कोर्ट में ही जा रहा है और थाने में भी एक पहुंचा है। इनका मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो उनके पिताश्री हैं कि ये भी आपकी औलाद है, अगर ये आपके साथ रहना चाहते हैं या अपना हक मांग रहे हैं और आपकी सेवा भी करना चाहते हैं, तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि घर का मसला है, घर में ही निपटाएं। और अगर आप लोग अपना कोई वर्जन देना चाहते हैं तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, हम आपका पक्ष भी जरूर रखेंगे। फिलहाल देखते रहे रियासी जय के न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।